सौमित्र इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम सौमित्र कर्मकार। आप लोग पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। स्क्वायर हेडेड बोल्ट फाउंडेशन देखिए। पहले एक सेंटर लाइन खींचना है, उसके बाद ये वाला हेक्सागोनल बोल्ट लिखना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 1.5D प्लस 3 और यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 0.8D। डी का डायमेंशन 20, तो इसमें 0.8D इसका डायमेंशन होगा 16 mm। और यहाँ से यहाँ तक जो मान है 1.5D इसका मान 30 होगा प्लस 3 मतलब 33। यहाँ से यहाँ तक का दूरी 33 है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी है डी मतलब 20। उसके बाद देखिए यहाँ से इस तक का मान है 7D। 7D का मान है 140 mm है यहाँ से यहाँ तक का। और यहाँ से यहाँ तक का माप है डी और यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन है 0.125D। इसका डायमेंशन 2.5 mm का है, तो यहाँ से यहाँ तक 2.5 mm का है। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 1.5D स्क्वायर, तो 1.5D मतलब 30 mm। यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन है 30 mm। और यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन है 2D मतलब 40 mm। 2D देखिए 40 mm हुआ। तो ये सब ड्रॉप करके उसके बाद ये वाला नेम लिखना है, मशीन बेस इसका नेम है। और ये है सीमेंट कंक्रीट, ये है लीड और सल्फर, स्क्वायर नेक ये है, स्क्वायर हेड ये है, तो ये है स्क्वायर हेडेड बोल्ट फाउंडेशन। थैंक यू।